देखिए आज हम आपको अपने खेत का सरसों दिखा रहे हैं क्योंकि हम सरसों का साग तोड़ने जा रहे हैं। और देखिए दिखाते हैं कितना बढ़िया निकला है। ये देखिए कितना बढ़िया सरसों का साग निकला। ये हम लोगों ने लगाया था सरसों, मूली, पालक सब लगाया था, लेकिन सरसों बहुत अच्छा निकला है। तो ये हुआ कि आज घर का ताज़ा साग तोड़ा जाए और फिर उसी को बनाया जाए। उसको तोड़ रहे हैं, कुछ ताज़ा ताज़ा साग देखिए घर का। इसमें शुद्ध गोबर की खाद पड़ी है हमारी, और देखिए कितना बढ़िया सब हरा हरा। ये देखिए देखिए सरसों, ये भी तोड़ रही है अम्मा, भी सरसों तोड़ रही हैं। कैसे बनाती हो तुम? तुम सरसों बनाती हो? कैसे बनाती हो? आलू कौन डालता सरसों में? आलू डाल के? आलू तुम नहीं देखे किसी को डालते? आलू डाल के तो कोई नहीं बनाता, तुम आलू डाल के बना लेती हो। तब बताओ सबको, तुम्हारी रेसिपी भी लोगों को पता चले। आलू डालती हो और क्या डालती हूँ माँ? आलू के साथ और क्या डालती हो? मेथी है। हाँ मेथी डाल के छोंक देती हो और? अरे पहले उबाला जाता है इसका। हाँ फिर उबाल के तब बनाओ। बताओ फिर सरसों कैसे बनाती? तुम आलू डाल देती हो उसमें, तो कैसे कैसे बनाती हो? गोभी गोभी क्या ना? नहीं मूली है। नहीं कहाँ गोभी है, देखो मूली है, गोभी लगाया ही नहीं था। आलू डालते मेथी छोंक देती हो सरसों? हाँ। मिर्चा है लहसुन, कैसा स्वाद आता है? वाह देखो कितनी जल्दी तोड़ रही, फटाफट तोड़ डालो। हम लोग इसको काट के चूल्हा पे बनाएंगे ना, यही धूप में बैठ के। बढ़िया ठंडी दिन है, धूप में बैठ के यही चूल्हा बनाया जाएगा बढ़िया सरसों का साग। जल्दी जल्दी तोड़ो तब तो बनेगा। देखिए मूली भी हमारी है, देखिए मूली, ये देखिए मूली बैठी है, ये देखिए देखिए जगह। ये देखिए मूली कितनी बढ़िया मूली तैयार है, ये देखो। अब एक दिन मूली का साग बनेगा, तोड़ेंगे तो। अब इसको चूल्हा जलाओगी तब तो बनेगा। सरसों जो तोड़ा था गाइस हमने, सबको हमने अच्छे से धो करके काट के रख लिया। अब इसको बॉयल करने जा रहे हैं। बॉयल करके बनाएंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा बनता है। साग देखिए बनाना शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने कढ़ैया में मिट्टी लेप लगवाया ताकि कढ़ैया मेरी जले ना, और चूल्हा भी जल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मुझको जैसे आता है रेसिपी मैं वैसे ही बना रही हूँ। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कैसी बनी है, और जिसको जो लोग भी सरसों का साग खूब अच्छे तरीके से बनाते हैं मुझे भी अपनी रेसिपी शेयर करें, चाहे वो लिंक भेज के शेयर करें या फिर मुझे लिख करके अपनी रेसिपी बताएं, तो उनके स्टाइल का भी हम ट्राई करेंगे। कढ़ैया में चढ़ा लिया है, धूप में बैठ के खाना बनाने में मज़ा ही कुछ और होता है। अभी तो जाड़ा है, ठंडक है, तो यहाँ पर बैठ के बनाना अच्छा भी लग रहा है। और गैस पे तो बहुत बना के खाया हमने, कहा चलो चूल्हे पे बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है, कैसा टेस्ट आता है। क्योंकि कढ़ैया गर्म हो गई हमारी। बता तुम अपनी रेसिपी बता, तुम्हारी तरह बनाए आज हम। तेल डाले है ना, लहसुन मिर्चा लो काट ले फटाफट। और देखे सरसों भी हम उबाल लिए थे, उबाल के ये हमने पीस के रख लिया है। देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, ये देखिए हमने इसमें लहसुन मिर्चा अदरक से तेल में डाल के छौंक दिया है। क्योंकि हमें इसी तरह बनाना आता है तो वही हम आप लोग को भी दिखा रहे हैं। पंजाबी स्टाइल बना लेता वो तो मुझे ज़रूर पता है, तो हम एक बार वैसे भी कोशिश करेंगे बनाने की। भूल गया कि आँच भी कितनी अच्छी से जल रही है,
ये यही जलाई है, ये जलाई है बैठी है। हम कोशिश कर रहे थे, हमसे जलती नहीं है, हमें जलानी भी नहीं आ रही है, तो हम अम्मा से ही जलवा लेते हैं। देखिए मेरा ये लाल हो गया है, अब हम साग अपना डाल रहे हैं। हाँ पीस दिया है तो थोड़ा अच्छा बनता है, फिर तो काट के इसे डाल देने से थोड़ा सा वो रेशे उसके फंसते हैं दांत में, इसीलिए हमने इसको पीस दिया है। क्या बासी अच्छा लगता है? लो इनको बासी अच्छा लगता है सरसों का साग। अब इसके साथ अभी थोड़ी सी मक्के की रोटी बनाएंगे, तब खाएंगे। देखिए कैसा साग बनता है मेरा। हाँ देखिए सारा साग छौंक दिया, हल्का सा इसमें नमक डाल दे रहा है। बस देखिए ढक दिया इसको हमने, ये धीरे धीरे बन रहा है। हाँ चलिए देखे, तब तक मेरी मूली आई है तोड़ते हैं। देखिए मूली एक उखाड़ रहे हैं, देखते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया है, ये देखिए मेरी मूली कितनी बढ़िया मूली निकली है। हाँ लो इसको मूली का कूचा बनाएंगे, पकड़ो ले। हाँ गया, कुछ में भी पतली है, कुछ अच्छी बैठी है। ये देखिए एक और मूली है, ये देखिए कितनी बढ़िया, वाह। ये देखो दो दो मूली हम लोग ने निकाली, मिट्टी झाड़ दो। हाँ ये देखिए कितनी लंबी चौड़ी मूली हुई है मेरे बगीचे में, वाह। तो काफी बढ़िया है देखो इतनी लंबी, और है देखो, और देखो तो मोटी हुई है कोई। अरे तुम बन जाए क्या बना। हाँ और है गाइस, लेकिन अभी पतली पतली है, तो आज हमने दो ठो मोटी मोटी निकाल ली है। इसको बढ़िया अभी घिसेंगे, घिस के कूचा बनाएंगे। कूचा बनाने के लिए हम लोग मूली को बढ़िया कद्दूकस कर लेते हैं, फिर उसमें अदरक और धनिया और हल्का सा नींबू गाड़ देते हैं, नमक मिला देते हैं, बढ़िया कूचा खाते हैं। बहुत पतली जो होगी वो मत तोड़ो, अब कल निकालेंगे। चलो हो गई, तीन बहुत है। हाँ दो तीन ये है तो, लेकिन अभी कल तोड़ेंगे। चलो तीन चार है अभी, कल के लिए छोड़ दो, कल तोड़ेंगे। साग भी इसका हो गया तोड़ने लायक। देखिए मेरी मूली कितनी बढ़िया तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट मूली आई है। पत्ती तुम ले जाना, पत्ती साग बना लेना। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। अभी इसको ऊपर से हल्का सा तेल से जीरा का तड़का दे करके ऊपर से छौंक देंगे बस, और इसके साथ अभी मक्के की रोटी बनाएंगे, और आज बस बढ़िया मज़ेदार सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई जाएगी। देखिए तेल गरम हो गया है, तड़का मार दे। बस ये देखो ये देखिए सब बन गया, वो थोड़ा ऊपर से तड़का करने से ना स्वाद थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया सरसों का साग मेरा तैयार हो गया बनके। तो आज भी देखिए कितनी अच्छी जल रही है। देखो तावे में भी पीछे मिट्टी लगवा दे रहा है, पानी होता है। हो गया ना। जैसे
पहले गुनगुने पानी से साला है और कुछ सॉफ्ट आटा है, तो रोटी भी मेरी बन गई। और डालेंगे एक बार में तीन रोटी बन जाएगी मेरी। नहीं आज को तेज करें, आँच तेज हो जाए तो बहुत तेज बनेगा, तो तेज बाहर ना रहे अंदर रहे एकदम, बस अब पकड़ लेगा। छोड़ दो, मक्के की रोटी भी हम पहली बार बना रहे हैं चूल्हे पे। पहले से सना आटे में सॉफ्टनेस आ जाती है, लेकिन अब तेजी से बनेगा। अनुभव है पहला मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के बना रहे, लेकिन हाथ तो जलने लग रहा है, छोटा छिलका है। स्वाद देखते हैं कि गैस से कितना अलग इसका स्वाद होता है, क्योंकि गैस पे तो कई बार बनाया है लेकिन चूल्हे पे हमने पहली बार बनाया है। ओ गाइस, आज का मेरा देखिए ये सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार हो गई है चूल्हे पे बनके। और मेरी ये सब जो बनाने की रेसिपी थी, आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा मुझे कमेंट्स करके, क्योंकि हमने तो पहली बार सब चूल्हे पे बनाया है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप लोगों को। और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे भी जो मेरे वीडियोस हों वो आप लोग को मिलते रहें। ये देखिए अदरक घिस रहा है, और इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे। मेरा बढ़िया कुलचा तैयार हो गया। ये देखिए, ये हम लोग के बहुत खाया जाता है, सबको बहुत पसंद आता है। और आज तो ये खासकर बगीचे की मूली का है, तो वैसे ही बहुत टेस्टी बना है।